शारिक भाई कैसे हैं? बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं मैडम? बिल्कुल बढ़िया। शारिक भाई अभी तक गाड़ी नहीं बिकी है मैडम। बहुत कस्टमर आके देख के गए, कुछ तो कैश डाउन करने के लिए तैयार भी है। गुड, अच्छा है ना, तो प्लीज थोड़ा जल्दी बिकवा दीजिए। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे अपनी नई गाड़ी की भी तो डाउन पेमेंट करनी है ना। नाइस ना, क्लास। तो शारिक भाई कब तक करवा देंगे? पिछले 3 दिनों में लगभग 12 कस्टमर आके देख के गए, 3 लाख से ऊपर कोई देने को तैयार नहीं मैडम। शारिक भाई 5 लाख से नीचे मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम, 3 साल पुरानी गाड़ी है, अब तो ये मॉडल भी बंद हो गया है। शारिक भाई एक बात समझिए, गाड़ी की कीमत उसके साल या उसके मॉडल पे डिपेंड नहीं करती। वो तो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसे कौन और कैसे बेच रहा है, और बेचना मुझे बखूबी आता है। अच्छा, इससे पहले आप गाड़ी बेच चुकी है इतनी अच्छी कीमत पे? गाड़ी तो नहीं शारिक भाई, मगर पति को बेच कर आ रही हूँ। वो कैसी औरत होगी जो अपने ही पति को बेचने का दावा करे और ये कहते हुए उसके माथे पर शिकन तक ना हो। शिकन तो दूर, बल्कि इस दावे में अहंकार की झलक हो, मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसी क्या वजह थी कि एक औरत को अपने ही सुहाग का सौदा करना पड़ा? ऐसे क्या हालात थे कि एक पति को बाजार में खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा? नैना ने अपने पति का सौदा क्यों और कैसे किया, ये जानने के लिए आइए नैना को कुछ और करीब से जानते हैं। वो वाला दिखाइए। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कैसा है? ठीक है। कितने का है भैया ये? 80,000 का मैडम जी। कुछ खास नहीं है। पहनना मुझे, तुम्हें नहीं। नैना तुम पे बहुत जचने वाली है। नैना नैना ये अच्छी लगेगी तुम पे। हाँ। भैया सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। पैक कर दीजिए? चले। अरे चले कैसे, मैंने तो पैसे नहीं दिए अभी। उसकी जरूरत भी नहीं है, बात हो गई है मेरी। इट्स फॉर फ्री, यहाँ का मैनेजर बहुत अच्छा है, सब फ्री में है। अच्छा, इनफैक्ट वो तो मुझे डिनर पे भी ले जा रहे हैं, होटल ब्लू सफारी। भाई साहब अभी जो मेरी वाइफ आई थी वो लेके गई ना हार, आप उसका पेमेंट रख लीजिए। तुम उसके साथ डिनर पे अकेले जाने के लिए तैयार कैसे होगी नैना, वो भी इस ज्वेलरी के लिए? ऐसा कैसे कर सकती हो यार? ओहो दिनेश, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे वो हार कितना पसंद आ गया था। और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो तो मैं लेकर ही रहती हूँ। इसका मतलब तुम सच में? क्या हुआ अब भी परेशान हो? परेशान तो हूँ, खर्चे कम होने का नाम नहीं ले रहे, लोन बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये सारे खर्चे सब मेरी वजह से हैं? मैं बहुत खर्चा करती हूँ? ऐसा नहीं है ना, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग अपनी हैसियत से बढ़कर जी रहे हैं, कुछ चीजें अपने फ्यूचर के लिए भी हमें सोचनी चाहिए। दिनेश 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 प्लीज, समझ तुम नहीं रहे हो डार्लिंग, तुम्हें समझने की जरूरत है। मैं तो ऐसे ही जीती हूँ, जो है अभी है, फ्यूचर के लिए ना तो मैं प्लान करती हूँ और ना ही मैंने इतना सब सोचा है। और हाँ, रही बात EMIs की, तो वक्त आने पर उसका पेमेंट भी कर देंगे। अब फ्यूचर के लिए इतना सोच सोच कर आज क्यों बर्बाद करना, बेवकूफी है ना, समझे? That's my boy. इसमें कोई शक नहीं कि नैना के स्वभाव का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल था, वो कब क्या कर दे ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन उसका स्वभाव इस समस्या का महज एक पहलू था, दूसरा पहलू जुड़ा था उसकी महत्वाकांक्षा से, जो और भी खतरनाक था। नैना की जिद और उसकी ख्वाहिशें उसके लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाली थी। दिनेश की नौकरी भी जा चुकी थी लेकिन नैना को कोई फर्क नहीं पड़ा था,
कर्ज बढ़ता चला गया और साथ ही साथ बढ़ती गई उनकी मुसीबतें। सर मैं जानता हूँ मुझसे आपकी एक दो किस्तें छूट गई। देखिए एक दो किस्तें नहीं है, पूरी 5 किस्तें आप जानते हैं। ठीक है सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सारी किस्तें चुका दूं। कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है दिनेश जी, गाड़ी की चाबियां दीजिए, हमें ऑर्डर है, कार लेकर आए और साथ में टेलीविजन वगैरह भी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ये बहस करने से कोई फायदा नहीं है, आप चुपचाप से गाड़ी की चाबी दीजिए। ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा के रखा है? इनसे कहिए गाड़ी की चाबियां दे दें और साथ में टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम और ये लैपटॉप भी, हम चले जाएंगे। ओ गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स ना, वन सेकंड। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ये पूछ रही थी कि वो पेमेंट का क्या होने वाला है। नहीं नहीं ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, पर अगर थोड़ा जल्दी हो जाता तो। हाउ स्वीट, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके तो आप लोग परसों आ जाइए और चेक ले जाइए अपना। देखिए मैडम हमें तो ऑर्डर है कि। ओह कम ऑन, अभी आपने देखा कि मैंने मिस्टर सिंघानिया से बात करी। ओ मिस्टर सिंघानिया मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, वो आज पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो कल तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा अकाउंट में, परसों आप चेक ले जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम ही आपको चेक दे जाएंगे, क्यों बेबी? थैंक यू। व्हाट, क्या हुआ? क्या हुआ, कौन है ये सिंघानिया है? और कहां से होगा ट्रांसफर? बैंक के स्टेटमेंट दिखाऊं तुम्हें, एक फूटी कॉलम नहीं है हमारे पास, कहां से आएगा 2 दिन में पैसा? मैं क्या सोच रही थी स्वीटी कि हम काफी टाइम से वेकेशन पे नहीं गए ना, राइट? कौन सी वेकेशंस? अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें ये जो फ्रिज है ये कितने में चला जाएगा? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ मतलब अब 2 दिन की मोहलत मिली है तो फ्रिज, टीवी, फर्नीचर ये सब थोड़ा मुश्किल होगा बेचना, और इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। मुझे लगता है इन सबको बेच के ना 60-70 हज़ार का तो इंतजाम हो ही जाएगा आराम से। अब वेकेशन पे जाना है तो पैसे तो चाहिए ना स्वीटी, तो ठीक है एक काम करते हैं, ये सब कुछ बेच कर हम कल के कल ही निकल लेते हैं, और जब वो कल चेक लेने आएंगे तो ताला मिलेगा दरवाजे पर। अरे बैठ ना, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे बताओ? ये सही सवाल किया तुमने, सच पूछिए तो नैना और दिनेश दोनों फरार थे, पुलिस सेना सही लेकिन लेनदारों की फौज उनके पीछे पड़ी थी। वो दोनों आकर माथेरन के एक रिजॉर्ट में, लेकिन नैना को देखकर ये कहना नामुमकिन था कि वो किसी से भाग रही थी। नैना उन लोगों में से थी जो हर परेशानी में कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं, और इस मुसीबत में भी उसने एक मौका ढूंढ ही लिया, एक ऐसा मौका जो उसकी अब तक की सारी साजिशों से बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाला था। और कितने दिन है ना, हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे, 2 दिन में 20,000 रुपए फूंक डाले हमने। चल यार कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे। क्या चल यार, 20,000 रुपए कम होते क्या, वो भी 2 दिन में? आई एम नॉट टेकिंग इट, सॉरी सॉरी। इट्स ओके नैना। क्यों कैसी लगी? कैसी लगी कौन? अरे वही जिसका तुम पर्स दे रहे थे, उसे तो तुम बहुत पसंद आए। अच्छा वैसे मुझ में ना पसंद करने वाली ऐसी कौन सी बात है, और तुम इतनी श्योर कैसे हो? सिक्स सेंस बेबी, सिक्स सेंस। कहीं तुम जेलेसी फील तो नहीं कर रही है? एनीवेज प्लान तो मुझे अब समझ में आ गया है कि क्या करना है। तुम एक काम करो, 3 कप कॉफी लेकर आओ ना। 3 कप कॉफी? डोंट आस्क, 3 कप्स ऑफ कॉफी प्लीज। ओके हेलो आशा। अरे नैना कैसी हो, बैठना। ओ यस श्योर, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, कोई खबर नहीं, कहाँ हो तुम? अच्छा मैडम खुद गायब हो गई थी,
और यहाँ तक कि मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, वो तो मुझे स्नेहा ने बताया था। स्नेहा भी ना, एक्चुअली सॉरी, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। बट इजंट इट ग्रेट कि हम यहाँ ऐसे मिले हैं। एक्चुअली अपने हस्बैंड और उनके कलीग के साथ आई थी मैं यहाँ पर घूमने। उनके पास अचानक से कॉल आ गया कुछ ऑफिस का, सो ही हैज़ टू गो टू बॉम्बे। ओह दैट्स सो सैड। या थैंक यू। ओह आशा, ये विवेक हैं, मैंने बताया था ना मेरे हस्बैंड के कलीग। विवेक ये मेरी फ्रेंड आशा है, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी। हाय। हाय, आई एम रियली सॉरी आशा, मुझे पता चला जय के बारे में। जय आशा के हस्बैंड थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड रियली सॉरी टू हियर दैट। नो इट्स ओके। एक्चुअली पहले पहले काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब संभाल लिया है मैंने खुद को। यू नो मुझे क्या लगता है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पता है मामा जी भी यही कहते हैं, इनफैक्ट उन्होंने तो एक मैट्रिमोनियल साइट पे मेरा प्रोफाइल भी डाल दिया है। Really? तो कोई मिला? नहीं यार, अब पता है ना वो लोग साइट पर कुछ और होते हैं और सामने कुछ और वैसे भी साइट से किसी की नेचर का पता नहीं चलता। एक्चुअली ना आजकल सबकी यही शिकायत है। अब विवेक को ही देख लो, इसका डिवोर्स हो गया है। एंड इसने भी अपनी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर डाली हुई है। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम। यू आर मैड, तुम पागल हो गई हो, महापागल। शट अप स्वीटी, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। ओवर रिएक्ट मैं कर रहा हूं? मैं तुम्हारा कलीग हूं, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू नाउ? कहीं तुम मुझसे जेलस हो गए, सब तो नहीं कर रही हो? यू नो मुझे क्या लगता है कि कहीं मेरा मंद बुद्धि पति मेरा प्लान न चौपट कर दे। क्या मतलब? लिसन टू मी केयरफुली। आशा और मैं कॉलेज के फ्रेंड्स थे। कॉलेज के बाद उसकी शादी हो गई, काफी अमीर घराने में शादी हुई थी उसकी। कुछ सालों से तो हम कॉन्टेक्ट में नहीं थे, पर पिछले साल ही मुझे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद वो सारी जायदाद की अकेली वारिस। अब वो कितनी अकेली है ये तो मैं समझ सकती हूँ, और उसकी जरूरतें हम बखूबी जानते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? ओह, वो विधवा और मैं डाइवोर्सी। तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही कि हम लोग? बी स्मार्ट। पर कैसे है? वो मुझसे शादी क्यों करेगी? तुम भूल गए कि मैंने उसे देखते से ही क्या कहा था, पसंद करती है वो तुम्हें। पसंद करती है? तुम्हें कैसे पता? दिखता है उसकी आंखों में कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, कि उसे तुम जैसे ही किसी आदमी की जरूरत है। पत्नी हूं तुम्हारी, तुम्हारी खूबियां और कीमत दोनों ही बहुत अच्छे से समझती हूं। कीमत? ज्यादा सोचो मत, सिर्फ वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, इतनी खूबसूरत जगह में आप अकेली बैठी, लगता है आपको भी नेचर से बहुत लगाव। जी मुझे तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे लगते, लेकिन वो लोग जो नेचर और बच्चों को पसंद नहीं करते वो लोग मेरे हिसाब से इंसान नहीं। या यू आर राइट। यू नो एक्चुअली भगवान की सबसे खूबसूरत देन है नेचर और बच्चे। पर हमारे आई एम रियली वेरी सॉरी, आई मीन मेरी जिंदगी में दोनों की बहुत कमी है। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली मेरी जिंदगी में भी इन दोनों ही चीजों की कमी है। कमी खलती?
कभी 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 आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला. एक्चुअली हमेशा. ओह गॉड, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ. ओह विवेक भी आए, नाइस, गुड टू सी यू गाइस टुगेदर. बैठो ना. ओह या हे, बट आई एम अमेज्ड यार, तू यहाँ पूल के पास क्या कर रही है? तुम्हें तो पानी से डर लगता था ना. यू नो विवेक, कॉलेज के टाइम पर एक लड़का था जो इस पर टोटल फिदा था. एक बार पता है क्या हुआ, बुके लेके वो इसके पीछे पीछे भागने लगा और ये मैडम उससे जान छुड़ाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भागती रही और भागते भागते कॉलेज के पूल के पास पहुंच गई. वहीं पर हड़बड़ी में ये मैडम गिर गई पूल में. 15 दिनों तक ये मैडम की हालत खराब थी, छींक छींक कर. एक्चुअली आज पुराने दिन याद दिला दिए हैं, कितने दिनों बाद मैं खुलकर हंसी हूँ. आशा, मैं क्या सोच रही थी, आज रात हम साथ में डिनर करें? डन. हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं, वो भी 1 घंटे में. तुम कल आओगे? पर तुमने जो उससे डिनर की बात की उसका क्या? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? क्या करूं, मेरे पति का कॉल आया है. इमरजेंसी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना. तुम लेके जाओ उसे डिनर पे. हाँ, पागल हो क्या? अब उसे मालूम चलेगा कि तुम जा रही हो तो मेरे साथ डिनर करने क्यों आएगी? तुम ना हमेशा ही उल्टा सोचते हो. अरे वो तो खुश हो जाएगी कि कबाब से हड्डी जो जा रही है. आई एम श्योर वो आएगी तुम्हारे साथ डिनर पे. अरे थोड़ा टाइम अकेले में बिताओ उसके साथ, समझे? मुझे नहीं मालूम था कि खाने के मामले में भी हमारी पसंद इतनी मिलेगी. सच? मुझे तो लगा था कि आपको मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना पसंद ही नहीं आएगा. अरे पसंद नहीं आएगा? अगर आप नहीं होती ना, मैं यहाँ अकेले बैठ के भी ऑर्डर कर रहा होता तो यही ऑर्डर करता. ओह रियली? एक्चुअली मुझे तो लगता था कि सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे चाइनीज और मुगलई का कॉम्बिनेशन पसंद है, वरना तो ये कॉम्बिनेशन किसी को पसंद ही नहीं आता. तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं? आई एम रियली वेरी सॉरी. एक्चुअली नो, नो नीड टू से सॉरी. एक्चुअली सच तो यही है कि हर मामले में हम दोनों की पसंद डिफरेंट थी. My ex-wife hated everything whatever I like. मैं उत्तर तो वो दक्षिण, मैं पूरब तो वो पश्चिम. मैं भी क्या फालतू की बातें करने लग गया. Sorry for boring you. मुझे ना आपकी यही बात पसंद नहीं आती, आप बात बात पर सॉरी बहुत बोलते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखा. आपको कैसे लगा कि मेरा दिल दुख रहा? देखिए पुराने जख्मों के अगर बारे में बार बार बात की जाए या फिर उरेदा जाए तो दर्द तो होता है. एक्चुअली इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पूछने वाला कौन है, उसका इंटेंशन क्या है. वो सिर्फ कुरेद रहा है या मरहम लगा रहा है? या प्लीज. वाह, मजा आ गया. अब पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी. आप पुणे तो आते ही रहते होंगे. हाँ, हफ्ते में 3-4 बार तो आ ही जाता हूँ, बल्कि वहाँ के सारे आईटी ऑफिसर हमारे ही क्लाइंट. मुझे तो लगता है कि मुझे भी वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए. और वैसे भी मुंबई में नैना के हस्बैंड है ही. अगली बार पुणे आएंगे तो मिलकर जरूर जाइएगा. जरूर जरूर. आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए. श्योर. या टेल मी. अच्छा लगा आपसे मिलकर. बैक टू मुंबई, वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, वही सब काम फिर से. आपके लिए बैक टू मुंबई और मेरे लिए बैक टू पुणे. टच में तो रहोगी ना? Of course. अरे वाह,
आपकी कार का नंबर तो बड़ा ही शानदार है, 2332. टोटल इज 10. 10 इज माय लकी नंबर. चलिए चलते हैं. एंड थैंक यू. थैंक्स फॉर व्हाट? कल रात के लिए. गुड बाय. बाय बाय बाय. मैं ना अपनी प्लानिंग में हर छोटी से छोटी बात का पूरा ख्याल रखती थी, इसीलिए आशा और दिनेश के जिस रिश्ते को उसने खुद जन्म दिया था उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी उसकी बारीक नजर थी. ना चाहते हुए भी दिनेश आशा पर अपना जादू तो चला ही चुका था, और अब नैना के नियंत्रण और निगहबानी में वो लगातार आशा के संपर्क में रहकर इस रिश्ते को और मजबूत बना रहा था. पता नहीं मुझे मेरे अकेलेपन की शिकायत करनी चाहिए या फिर उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. शिकायत तो समझ में आती है, पर शुक्रगुजार क्यों? एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कहिए. ये जो चार पल है ना, जब मैं तुमसे फोन पे बात करता हूँ, ये पल मेरे लिए बहुत कीमती हो गए. अब तो मुझे इनका इंतजार करने में भी मजा आने लगा है, साथ ही अजीब सी बेचैनी होती है, और इस बेचैनी में मुझे एक खुशी महसूस होती है. हेलो. हेलो जी, कहिए, सुन रही हूँ. मैंने कहा था ना आप नाराज हो जाएंगी, बुरा मान जाएंगी. सॉरी बोलो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ. सच में? क्या बात है. चलो फिर कल शाम तक के लिए. ओके बाय. बाय, गुड बाय. कैसा रहा मैडम? नॉट बैड. बी ग्रेड फिल्म्स देखने का कुछ तो फायदा हुआ तुम्हें. एनीवेज, नाउ लिसन केयरफुली. नेक्स्ट स्टेप, तुम उसे एक हफ्ते तक कॉल नहीं करोगे और ना ही कोई उसका फोन उठाओगे. गॉट इट? बेचारी बार बार फोन कर रही है, क्या करें? बेचारी, ये जो बेचारी है ना तुम्हारी, अब देखना मेरे फोन पर फोन करे. यू वांट अ बेट? हेलो. हाँ नैना. ओ आशा, कैसी हो? एक्चुअली फोन चेंज किया ना तो तुम्हारा नंबर नहीं स्टोर कर पाई. पर एनीवेज, कैसे याद किया तुमने? बस ऐसे ही, बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई तो इसलिए. वो नैना, विवेक की कोई न्यूज़ है क्या? विवेक? कौन विवेक? एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड भी एक हफ्ते से बाहर गए हुए हैं, सो मुझे तो ऑफिस की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. वेट अ मिनट, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ. पता करके बताती हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम. आई विल गिव यू अ कॉल. डोंट वरी. बाय बाय. इस फोन कॉल से साबित हो गया कि आशा अब पूरी तरह से नैना की गिरफ्त में थी, और नैना अब उसकी भावनाओं के साथ खेल रही थी, और आशा नैना के बुने जाल में फंसती चली जा रही थी. उसे इस कदर तड़पा कर नैना ने अपनी अगली चाल की जमीन तैयार कर ली थी. अरे आप, ये क्या हुआ आपको? और इतने दिनों से आपकी कोई खबर भी नहीं थी, आप फोन भी नहीं उठा रहे थे. जानते हैं कितनी फिक्र हो गई थी मुझे आपकी. अच्छा लगा जान के कोई फिक्र तो करता है मेरी. अब क्या बताऊं आशा जी, दरअसल मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तंग आ गया था अपने अकेलेपन से. एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दो पैक पी लिया. अब एक दो से चार, फिर छः,
अब शराब पी के गाड़ी चलाने का खामियाजा तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, वैसे थोड़ा सा लगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बट रियली वेरी सॉरी कि मैं आपको उस वक्त फोन नहीं कर सका, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना खुद जाके आपसे माफी मांग लूं। नो इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। वाओ, आई एम सो थ्रिल्ड आशा, मुझे लगता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। विवेक इज अ वेरी नाइस मैन, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी, शायद मैं तब से ही उसे पसंद करने लगी थी। मुझे लगता है कि शायद विवेक भी मुझे, आई मीन, समझ नहीं आ रहा कि बात को आगे कैसे बढ़ाऊं। लो तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम उसे खुद डायरेक्ट पूछ लो। प्लीज गेट मी वन रशियन सैंडविच। विवेक, हे, हाय आशा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम पूना कब आए? ऑफिस के काम से आया था, काम खत्म हुआ तो सोचा एक कॉफी पी ली जाए, इसलिए आ गया। आप पूना आए हुए हैं और आपने हमें बताया तक नहीं? अचानक आना पड़ा, कोई प्लान नहीं था। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर अ कॉफी? या श्योर। भैया दो कॉफी। यार मैट्रिमोनी में जब से मेरी प्रोफाइल अपलोड हुई ना, मैं बहुत परेशान हो गया, और ये सब किया जरा मेरे दोस्तों का है, वो नैना और उसके हस्बैंड का। क्यों, क्या हुआ? मैं इस मैट्रिमोनियल के जरिए शादी नहीं करना चाहता। तो फिर कैसे करना चाहते हो? आई मीन, वो मुझे मिलेगी तो मुझे खुद ब खुद मालूम चल जाएगा, पर जब वो मेरी जिंदगी में आएगी तो मैं मुझसे क्या कहूँगा, कैसे बात करूँगा, क्या बोलूँगा, पता नहीं। पर बात तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आदमी पहल करे तो ही अच्छा लगता है। पर कैसे, मैं बोलूंगा क्या उसे, और इस उम्र में आई लव यू, विल यू मैरी मी? कोशिश तो करके देखिए, और अगर आप ये बात किसी से गुलाब देते हुए कहेंगे तो शायद उस लड़की को बुरा नहीं लगेगा। गुलाब? Will you marry me, Asha? Oh my God! उसने तुम्हें propose किया? Yes, he did. And you know, I am so happy. Yeah, even I am very happy for you. In fact, तुम दोनों के लिए. Vivek is a wonderful person. वो अगर मेरी शादी दिनेश से नहीं हुई होती ना, तो शायद विवेक ही आज मेरा पति होता। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि आगे क्या प्लान्स हैं? कब शादी कर रहे हो? पता नहीं, मामा जी से पूछ कर डिसाइड करोगे शायद इसी महीने। ओके। माथेरन के एक रिसोर्ट के कैफेटेरिया में बना एक प्लान अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था, और इस अंजाम की जद में आ चुकी थी आशा। अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए नैना ने अपने पति को ही बाजार में बिकने वाला सामान बनाया, अपनी सहेली के जज्बात और उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेट्स। गॉड ब्लेस यू। कितना अच्छा होता कि आज दिनेश भी यहाँ होते, आज उनकी बहुत याद आ रही। देखना, ऐसे ही टाइम पे उनको साउथ अफ्रीका जाना था। तो फिर कब तक वापस आ रहे हैं वो? वापस आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो वापस नहीं आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ साउथ अफ्रीका कुछ ही 2-3 महीनों में शायद। क्या, तो इंडिया छोड़कर जा रही है? अब क्या करें, जहाँ पिया वहाँ मैं, है ना? लेकिन इस हैरान कर देने वाली साजिश की एक एक सीढ़ी चढ़कर आखिर नैना पहुंचना कहाँ चाहती थी, क्या हासिल करना चाहती थी वो इस साजिश के जरिए? इससे पहले आप गाड़ी भेज चुकी है इतनी अच्छी कीमत पे? गाड़ी तो नहीं शारिक भाई, मगर पति को बेच कर आ रही हूँ, वो भी तिगुनी कीमत पर। हेलो, फिर से फोन?
हम छुट्टी पर है ना। इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज। हेलो। क्या चल रहा है सर? सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। हाँ मैं छुट्टी पे हूँ पर लगातार फैक्ट्री के टच में हूँ। जी सर। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, एक काम करूँ, तुम आ जाओ। ओके सर, आ जाऊंगा सर। बाय बाय। क्या हुआ? होना क्या है, हॉलीडेज ओवर, अब कल से काम पे। हर चाल नपी तुली, हर वार असरदार। जैसे ही आशा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, नैना ने फिर से एक चाल चल दी। विवेक गायब हो गया और आशा बेहद परेशान हो उठी कि आखिर विवेक गया तो गया कहां। क्या हुआ डाली? जब से पुणे से आए हो तब से बड़े उकड़े उकड़े रहते हो, क्या हुआ? नैना मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब हम लोग जो ये आशा के साथ कर रहे हैं ये सब अच्छा नहीं है। वो बेचारी वहां अकेले क्या बीतेगी उस पे जब उसको मालूम चलेगा ये सब। अच्छा नहीं है। तरस आ रहा है ना उस पर? हाँ आ रहा है तरस। यू नो डार्लिंग, मुझे क्या लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम कसाई नहीं, क्योंकि कसाई होते ना तो तुम्हें बकरी पर भी तरस आ जाता और हम तो भूखे ही रह जाते। अच्छा आशा तुम्हारे लिए एक बकरी की तरह से। क्यों, तुम्हारे लिए नहीं है? आई होप दैट यू आर नॉट इन लव विद दैट गर्ल। हाँ गुड, क्योंकि अगर ऐसा है तो अच्छा है। और वैसे भी डार्लिंग, ये जो कुछ कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ, है ना? तो तुम्हारे ये जितने भी इमोशंस है ना, इनको अपनी जेब में रखो, समझे? और हाँ, यहाँ तक आकर मुझे कोई जज्बाती बेवकूफी नहीं चाहिए, समझे? स्वीटी, मुझे तो आज ही पता चला, तभी तो भागे भागे यहाँ चली आई। क्या हुआ नैना, बताओ ना, तुम्हें कुछ तो पता होगा। तुम तो जानती हो ना जो चेंजेस हुए मैनेजमेंट में, उसके कारण मेरे हस्बैंड साउथ अफ्रीका और विवेक को यहाँ पुणे में शिफ्ट होना पड़ा। हाँ तो बस इसी चेंजेस के चलते विवेक की नौकरी चली गई। क्या जॉब? और तो कोई बात नहीं है ना, आई मीन विवेक को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो तो ठीक है ना? वो तो ठीक है पर यू नो वो बहुत डिप्रेशन में है। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है कि डिप्रेशन के चलते वो कहीं भी अचानक से गायब हो जाता है पर फिर वापस आ भी जाता है। तुम चिंता मत करो, आई एम श्योर वो जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन वो मुझे बता तो सकता था, या कम से कम मुझे, आई मीन तुम नहीं समझ सकती ना मुझ पे इन दिनों क्या गुजर रही है। पता है मैं पुलिस कंप्लेंट करने जाने वाली थी। आई अंडरस्टैंड पर एक बात कहूँ, जब विवेक वापस आए ना तो उसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश मत आना। अब तुम तो समझ ही सकती हो ना कि उसकी हालत क्या होगी। वैसे मेरे हस्बैंड ट्राई तो कर रहे हैं कि विवेक का साउथ अफ्रीकन ब्रांच में ही ट्रांसफर हो जाए, पर इसमें कुछ टाइम तो लग सकता है, महीना, दो महीना, साल। पर हमें तो किसी चीज की कमी नहीं है और विवेक को तो ये पता ही होना चाहिए था, फिर वो क्यों इस नौकरी को लेकर इतना परेशान हो रहा है? आशा अगर तुम ऐसा समझती हो तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि तुम विवेक को अभी तक समझ ही नहीं पाई। वो एक खुददार इंसान है, वो तुमसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही वो तुमसे कोई पैसे लेगा। हाँ तो फिर मैं क्या करूं? एक सजेशन दूं? विवेक, आई एम सॉरी आशा, मुझे पता है इस बीच तुम कितनी परेशान रही होगी, लेकिन सच्चाई सुनोगी तो। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। आओ अंदर आओ। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि तुम अपना मुझसे दर्द बांट सको। क्या बताता आशा, वो करता भी क्या बता के,
सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। हाँ, पर शायद ऐसा इसलिए हुआ हो कि तुम एक नई शुरुआत करो। क्या मतलब? मतलब ये बताओ, अगर तुम्हें खुद का बिजनेस शुरू करना पड़े तो तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? वही बिजनेस जो तुम अभी कर रहे थे। अच्छा, तो तुम मुझे फाइनेंस करोगे? आशा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे दिए गए पैसे नहीं लूंगा। वैसे भी मैं चाहता था कि हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाए। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे इस घर में रह रहा हूँ। ऊपर से तुम कह रही हो कि पैसे ले। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ऐसे पैसे नहीं लोगे। अच्छा, मैं अगर तुम्हें लोन दूं तो, आई मीन, वो तो तुम ले ही लोगे। या फिर तुम डरते हो कि तुम्हारा बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। इस बारे में मुझे कभी चैलेंज मत करना आशा। इस बिजनेस के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर मुझे मौका मिले ना, तो उस कंपनी को मैं मार्केट से ही बाहर निकाल फेंकू जिसने मेरे साथ नाइंसाफी। तो फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है ये लोन लेने से? Take it, my boy, and all the very best for your business. Thank you very much, uncle. मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा। Thank you very much, uncle. आशा से रुपए ऐंठने का जो मास्टर प्लान नैना ने बनाया था वो कामयाब हो चुका था। इधर दिनेश के हाथों में चेक आया पर वो एक बार फिर से गायब हो गया। और आशा के लिए हैरानी की बात ये थी कि इस बार झूठी तसल्ली देने के लिए नैना भी उसके पास नहीं थी। आखिर कहां गुम हो चुके थे नैना और दिनेश? कुछ तो गड़बड़ है। आई जस्ट होप कि विवेक को कुछ ना हो गया हो। उसे कुछ नहीं हुआ है, यही तो गड़बड़ है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? आज सुबह ही बैंक से कंफर्मेशन आई है कि हमारा चेक ऑनर हो चुका है और जिस अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ है वो अकाउंट क्लोज हो गया है। क्या? वो जाली अकाउंट था। किसे फोन कर रही है? नैना को। उसे कुछ तो पता ही होगा। नंबर डिस्कनेक्ट हो गया ना नैना का भी। मुझे लगता है तुम्हारी ये सहेली नैना, बेटा ये कुछ नहीं, सब कुछ जानती है। चलो पुलिस स्टेशन। मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। और फिर इनके पास तो इनके पति के ऑफिस के डिटेल्स भी तो नहीं। कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे कि मुंबई में उनका एड्रेस, कोई जान पहचान के लोग, कुछ भी ऐसा जहां से हम इस केस की शुरुआत कर सके। मुंबई में उसका वन बेडरूम हॉल का फ्लैट था। मुझे भी कुछ याद आया इंस्पेक्टर, उसकी कार का नंबर MH04-2332 था। That's great. हम इन दोनों लीड्स को फॉलो करेंगे और जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओके? थैंक यू सर। नैना और दिनेश को पकड़ने के लिए पुलिस ने दोहरी तलाश शुरू कर दी। मुंबई में दिनेश के घर पहुंचकर उन्हें पता चला कि दरअसल वो किराए का घर था। और यहीं आकर आशा के सामने सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ, वो ये कि दरअसल उसका पति विवेक दिनेश था, उसकी सबसे करीबी सहेली नैना का पति। दूसरी ओर दिनेश की गाड़ी का पता लगाते हुए पुलिस गाड़ी के मौजूदा ओनर रहमत अली के पास पहुंची। रहमत अली से मिली जानकारी की मदद से वो पहुंचे मार्वल कार बाजार के मैनेजर शरीफ तक। साहब क्या बताऊं साहब, 12 साल से ये लाइन में साहब, ऐसी डेंजर लेडी मैंने आज तक नहीं देखी साहब। शारिक भाई, कोई सुराग? मेरा मतलब है उस लेडी तक पहुंचने का कोई जरिया है तुम्हारे पास? हाँ सर, वो कह रही थी उस दिन एक्चुअली कि क्या है कि मुझे अपनी नई गाड़ी की भी तो डाउन पेमेंट करनी है ना। उसे गाड़ी बेच के नई गाड़ी की डाउन पेमेंट करनी है। उसके हाथ में एक नई गाड़ी का ब्रोशर भी था, ब्रोशर में एक स्टैम्प था डीलर का, और वो डीलर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर। नैना और दिनेश तक पहुँचने की आखिरी कड़ी भी पुलिस को हासिल हो चुकी थी। देखते ही देखते उन्होंने नई गाड़ी के डीलर से बात की और नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ निकाला। Yes, Inspector. What's the matter? हमने तो कोई सिग्नल भी जंप नहीं किया।
एक नहीं नैना, तुमने कई सिग्नल्स तोड़े हैं। मैंने तुमसे बोला था ना इतना लालच अच्छा नहीं है नैना। तुम्हारी ये लाइफस्टाइल और ज्यादा बड़ा बनने की ख्वाहिश ने हमें ले डूबा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इस औरत का किया धरा है। इसको छोड़ना मत सर, छोड़ना मत इसको। इसका तो जो होगा सो होगा मिस्टर दिनेश, लेकिन सारा दोष इसके ऊपर मढ़कर तुम अपने गुनाहों से नहीं बच सकते हो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब इस रोतलू को चुप कराने के लिए। आशा, आई एम रियली सॉरी, पर एक बात जरूर कहूंगी, बुरा मत मानो। जब तक ये गेम चला मजा तो बहुत आया। धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए नैना को आईपीसी की धारा 419 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ दिनेश को नैना की साजिश में शामिल होने के लिए धारा 419 और शादीशुदा होते हुए भी धोखे से दूसरी शादी करने के लिए धारा 494 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, दुनिया में शॉर्टकट्स ढूंढने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हैरत यह सोचकर होती है कि इस दिशा में इन लोगों का दिमाग कितनी तेजी से दौड़ता है। अगर ऐसे लोगों का दिमाग बचपन में ही रचनात्मक दिशा में मोड़ दिया जाए तो शायद समाज की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। भावनात्मक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भावनाओं के आगे अपनी सोच समझ को ही दरकिनार कर दें। शादी जिंदगी भर का फैसला है, इसीलिए इस पर मोहर लगाने से पहले बेहद जरूरी है कि आप एक दूसरे को हर स्तर पर अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि नैना और दिनेश जैसे धोखेबाज हमारी छोटी छोटी गलतियों को ही अपना हथियार बनाते हैं। इसीलिए अपनी लापरवाही को चालबाजों का हथियार न बनने दें। सावधानी का दामन कभी न छोड़ें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।